अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। यासिर कफूर प्रॉपर्टी एक्सचेंज बैरियर टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं प्रेजेंट 8 के अंदर आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत घर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। 272 स्क्वायर यार्ड्स इसका साइज है। आज हम आपको इसका कंप्लीट इनसाइट टूर करवाएंगे। इसकी लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट 8 लूप रोड के ऊपर ये मौजूद है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी आप इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन जो है वो देख सकते हैं, जो कि ग्रे टोन के अंदर टोटल रखा गया। फ्रंट रैंप आप इसका देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप अपनी कार पार्किंग कर सकते हैं। एक्सटीरियर गार्डन के जो साइज़ है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको इसको मेंटेन करके ग्रास जो है वो लगा कर दी गई है। विला के अंदर एंटर हुए हैं तो आप यहाँ पर इसका कार पोर्च साइज़ जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर आप अपनी एक SUV कार जो है वो यहाँ पर इजीली पार्क कर सकते हैं। राइट साइड पर आपको एक कॉरिडोर मिलेगा, यहाँ पर भी आप अपनी यूटिलिटीज़ वगैरह पार्क कर सकते हैं। और उसके साथ जो है आपके लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आपको जो है वो एक कॉरिडोर मिलता है जो आपको पीछे वॉशिंग एरिया की तरफ लीड करेगा। काफ़ी ओपन स्पेस है, वाइट स्पेस है, यहाँ पर आप अपना कार पार्किंग स्पेस देख सकते हैं। घर के अंदर एंटर होते हैं और आपको तमाम चीज़ें जो है डिटेल के साथ समझाता हूँ। जी व्यूअर्स, एंटर हो चुका है इस खूबसूरत 272 गज के घर के अंदर। अभी आप देख सकते हैं हम लॉबी के एरिया के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आपने डोर की लुक देखी जो कि बहुत मैग्निफिसेंट यहाँ पर आपको मिल रही थी। राइट साइड पर आपको एक विंडो पैनल मिल रहा है और लेफ्ट साइड पर आपको एक ग्लास मिरर जो है वो इंस्टॉल करके दिया गया। नीचे आप इसका टाइल वर्क देखें और बहुत ही खूबसूरत आपको लॉबी स्पेस एंटर होते साथ मिलती है। मैप डिज़ाइन आपको समझाऊं तो सबसे पहले आपको सिंगल यूनिट ये घर बनाया गया। राइट साइड पर आप देखेंगे कि आपको स्टेयर्स स्पेस मिलेगी, लेफ्ट साइड पर जो है आपको ड्राइंग स्पेस और टीवी लाउंज स्पेस मिल रही है। सेपरेट किया गया ड्राइंग रूम को। राइट साइड पर जो है आपको जो पाउडर रूम है, पाउडर एरिया, वो भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं आपके गेस्ट के लिए एक अच्छी यहाँ पर एडवांटेज आपको लिए दिया जाता है। और उसके साथ ड्राइंग स्पेस के अंदर एंटर करते हैं हम लोग। ड्राइंग स्पेस जो है वो काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है। दो एंट्रेंस है इसकी, टीवी लाउंज से भी आपको एंट्रेंस मिलेगी और यहाँ से लॉबी से भी आपको इसकी एंट्रेंस मिल रही है। हाइट देख सकते हैं आप लॉबी जो ड्राइंग रूम की हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। उसके साथ जो इसकी प्रोफाइल वॉल तैयार की गई वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर लग रही है। डार्क टोन रखी गई है और उसके साथ एक मिरर पूरी वॉल के ऊपर प्लेस किया गया। साइज़ की बात करें तो साइज़ भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर ड्राइंग स्पेस मिल रहा है। सीटिंग आपकी काफ़ी अच्छी हो सकती है, आपके गेस्ट की सीटिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है। सेपरेट करने के लिए यहाँ पर वुड वर्क किया गया और इसके साथ आपको जो है सीलिंग वर्क जो है वो काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन मिल रहा है। यहाँ से मैंने आपको बताया कि दो एंट्रेंस मिल रही है। अब हम आ चुके हैं इसके टीवी लाउंज एरिया के अंदर। टीवी लाउंज भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर आपको मिल रहा है, जैसे कि आप इसकी सीलिंग वर्क देख सकते हैं। और उसके साथ आप इसकी जो टीवी लाउंज की मीडिया वॉल है वो आप व्यू कर रहे हैं। व्यूअर्स, काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। नीचे आप टीवी कंसोल देख सकते हैं और इसकी जो मीडिया वॉल की लुक है वो आप एक बार व्यू कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वुड वर्क यहाँ पर किया गया, काफ़ी अच्छे जो कलर्स हैं यहाँ पर चूज़ किए गए हैं। उसके साथ यहाँ से आपको जो है ओपन स्पेस ऊपर तक आपको जो है स्काईलाइट के लिए सोर्स दिया गया। यह आपका टोटल साइज़ है टीवी लाउंज का, जो कि ड्राइंग रूम से लेकर यह आप देख सकते हैं काफ़ी ओपन स्पेस यहाँ पर आपको मिल रही है। टीवी लाउंज के फ्रंट पर आपको मिल रहा है ओपन किचन, मेन किचन जो है इसका, और काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको एक आइलैंड डिज़ाइन करके दिया गया। आइलैंड के ऊपर आपको हैंगिंग लैंप्स जो है वो भी मिल रहे हैं और कैबिनेट स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल रही है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं ग्लास एक आपको रैक्स बनाकर दी गई हैं, यहाँ पर भी आप अपना काफ़ी सामान रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसके साथ आपको वुडन होब मिल रहा है कैनन कंपनी का और ये आपके नीचे भी काफ़ी स्पेस आपको मिल रही है कैबिनेट्स के लिए। ग्लैम गैस का जो है यहाँ पर आपको डिश वॉशिंग एरिया मिलेगा और आप स्पेस देख सकते हैं कि काफ़ी वाइड स्पेस यहाँ पर आपको किचन के अंदर मिल रही है। 272 स्क्वायर यार्ड्स का इसका साइज़ है। डिमांड जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी गई, आप वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया, काफ़ी अच्छा मटेरियल है और उसके साथ आइलैंड के अंदर भी आपको काफ़ी स्पेस मिल रही है, तो यहाँ पर आपको स्टोरेज का कोई इशू नहीं आने वाला। रेफ्रिजरेटर के लिए आपके लिए वो स्पेस दी गई, आपके अप्लाइंसिस के लिए सारी जगह आपको सेपरेट बनाकर दी गई है। तो किचन आपने देखा, उसके सामने मैंने आपको दिखाया टीवी लाउंज। टीवी लाउंज के अंदर आप देख सकते हैं कि फैंस इंस्टॉल्ड हैं और ये आपको स्पेस मिल रही है जो कि आपको लेकर जाएगी आपके बेडरूम्स की तरफ। बेडरूम की वॉक की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमल सा जो है वो आपको मोल्डिंग वर्क करके दिया गया और ऊपर एक लाइट इंस्टॉल करके दी गई है। अगर आप यहाँ पर अपना डेकोरेटिव कोई आर्ट वर्क लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये इसका ग्राउंड फ्लोर का जो है वो बड़ा, सबसे बड़ा बेडरूम ये है। दो बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वॉटर्स मौजूद हैं और साथ में सीलिंग वर्क आप देखें काफ़ी अच्छा और हाइटेड यहाँ पर आपको सीलिंग वर्क मिल रहा है। आप एक स्पेस देख सकते हैं, जो बेडरूम आपको मिल रहा है काफ़ी वाइड और काफ़ी अच्छा बेडरूम का साइज़ आपको यहाँ पर मिल रहा है। एक विंडो पैनल है जो कि आपको पीछे वॉशिंग एरिया की तरफ लीड करेगा। इस घर का एडवांटेज ये है कि इसकी बैक साइड पर कोई भी घर नहीं बनने वाला और काफ़ी अच्छी लोकेशन है इस घर की। अटैच बाथ है, अटैच बाथ के अंदर एंटर होते हैं। थोड़ा सा काम चल रहा है इस घर के अंदर फिनिशिंग के लिए और ये आप देख सकते हैं इसका वैनिटी सेटअप है।
और एक मिरर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ऊपर लाइट्स जो हैं वो लग चुकी हैं, कमोड स्पेस है और साथ में आपको शॉवर एरिया यहाँ पर मिल रहा है। बेडरूम नंबर वन का जो साइज़ था वो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा कि काफ़ी बड़ा आपको साइज़ मिल रहा था, और जो आपको यहाँ पर वुड मिल रही है डोर के लिए, डोर जो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए काफ़ी अच्छी वुड है और इसके साथ अच्छा मटेरियल यहाँ पर टोटल यूज़ किया गया। यह आपका बेडरूम नंबर टू है। अगर आप ये घर विजिट करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसके सीलिंग वर्क की बात करें नाज़रीन, तो ये आपको एक राउंड शेप के अंदर आपको सीलिंग वर्क इसकी डिज़ाइन करके दी गई है, और ये इसका साइज़ है। यहाँ पर भी थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये इसका साइज़ था बेडरूम नंबर टू का। अटैच बाथ इसके साथ मौजूद है, और इसकी जो वार्डरोब्स हैं वो आपको इनसाइड द वॉशरूम मिलेगी। इसका जो वैनिटी सेटअप है वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है वो डब्ल्यू सी सीट मिल रही है, और उसके साथ आपको एक शॉवर जो है वो डिज़ाइन करके दिया गया। इसकी वार्डरोब्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट कर रही हैं इस स्टाइल के साथ जो कि पीछे वैनिटी सेटअप का आपको मिल रही है। ये था इसका साइज़ बेडरूम नंबर टू का। ग्राउंड फ्लोर का टूर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। अभी आपने इसकी स्पेस की देखी जो कि टीवी लाउंज की थी। टीवी लाउंज का सीलिंग वर्क जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन यहाँ पर रखा गया। स्टेयर्स की लुक मैंने आपको दिखाई कि आपको ग्लास जो है वो रेलिंग मिल रही है, और साइड पर जो है वो टोटल ग्रे टोन के अंदर यहाँ पर आपको वॉल डिज़ाइन करके दी गई है। प्रोफाइल लाइटिंग भी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाकर दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या जी। मैं फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका हूँ, और फर्स्ट फ्लोर पर आते साथ आपको ये खूबसूरत शैंडेलियर देखने को मिलेगा, और उसके साथ ये वॉल डिज़ाइन तो मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पर भी दिखाया था। राइट साइड और लेफ्ट साइड पर दोनों काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन्स के अंदर डिज़ाइन करके दिया गया, और वॉल पर स्टेयर पर जो वॉल प्रोफाइल लाइटिंग की गई है वो भी काफ़ी यहाँ पर अच्छी लग रही है। लॉबी के अंदर आते हैं फर्स्ट फ्लोर की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है लॉबी एरिया का। यहाँ पर आपको एक स्पेस मिलेगी जिसको आप अपना वर्क स्टेशन बनाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप इसको स्टोर रूम बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये स्पेस आपने देखी, यहाँ से आपको टेरेस की एंट्रेंस मिलेगी, और ये स्पेस है टोटल आपके लॉबी एरिया की। आप इमेजिन कर सकते हैं कि काफ़ी वाइड स्पेस यहाँ पर आपको मिल रही है। सीलिंग वर्क की बात करें तो यहाँ से आपको एक स्काई लाइट मिलेगी, और सीलिंग वर्क जो है वो यहाँ पर उसके अंदर लाइट्स इंस्टॉल करके दी गई। आपको यहाँ पर भी मोल्डिंग वर्क किया गया, यहाँ पर भी अपना जो आर्ट वर्क है वो प्लेस कर सकते हैं। सिंगल यूनिट घर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको फर्स्ट फ्लोर पर किचनेट स्पेस मिल रही है। यहाँ पर भी आप इसकी लुक देख सकते हैं कि थोड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक हुडन होब जो है वो कैनन कंपनी का इंस्टॉल करके दिया गया। कैबिनेट स्पेस यहाँ पर भी आपको मिल रही है, तो आपको जो है स्टोरेज का मसला नीचे भी नहीं आने वाला और ऊपर भी नहीं आने वाला। फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज आप अभी व्यू कर रहे हैं, और इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा है ग्राउंड फ्लोर के मुताबिक। यहाँ पर सीलिंग वर्क आप देखें तो एक फ़ैन इंस्टॉल्ड है, और साथ में राउंड शेप के अंदर उसकी जो डिज़ाइनिंग की गई है। मीडिया वॉल यहाँ पर मौजूद है ब्लैक वाइट टोन के अंदर। ये इसका साइज़ है टोटल टीवी लाउंज का। थ्री बेडरूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है। तीनों बेडरूम्स का मैं आपको साइज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम के अंदर जो कि बैक का बेडरूम है, और इसकी आप व्यू देख सकते हैं कि उसी तरह का साइज़ जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर मिल रहा था वैसा ही साइज़ आपको सेम टू सेम मिल रहा है। यहाँ पर वार्डरोब्स हैं काफ़ी बड़ी स्पेस के अंदर, ये आपने देखा काफ़ी इजी टू ऑपरेट जो है यहाँ पर आपको वार्डरोब्स मिल रही हैं। स्लाइडिंग है और काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया। यहाँ से विंडो है जो कि आपको बैक साइड का व्यू देगी। यहाँ से आपको जो व्यू मिलने वाला है वो नाज़रीन ये होने वाला है, आप व्यू देख सकते हैं। और ये इसका टोटल साइज़ है बेडरूम का, बेडरूम नंबर थ्री है ये। टोटल फाइव बेडरूम्स हैं इस घर के अंदर। ऊपर सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं क्लासिक डिज़ाइन यहाँ पर रखा गया। अटैच वॉशरूम है इसके साथ, आपको एक कमोड मिलेगा, और साथ में आपको शॉवर जो है वो इंस्टॉल करके दिया गया। वैनिटी सेटअप भी आप देख सकते हैं, डिज़ाइन देख सकते हैं आप वैनिटी सेटअप का, काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिल रहा है वैनिटी सेटअप्स का। बेडरूम नंबर फोर के अंदर एंट्रेंस करते हैं, तो ये इसका बेडरूम नंबर फोर है। इसका साइज़ भी आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, आप इसको किड रूम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके साथ जो है आपको अटैच बाथ मिल रहा है, जिसके अंदर आपको राउंड शेप के अंदर जो है वैनिटी सेटअप मिलेगा। एक सीट मिलेगी आपको इसके अंदर, रेन जो शॉवर एरिया है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और ये है जी इसकी वार्डरोब एरिया। साइज इसका आप एक बार दोबारा मुलाहिजा कर सकते हैं, और ऊपर आप इसका सीलिंग वर्क भी देख सकते हैं। सीलिंग वर्क के अंदर प्रोफाइल लाइटिंग मौजूद है। ये इसका टीवी लाउंज स्पेस। आगे चलते हैं वापस लॉबी की तरफ, तो यहाँ से आपने देखा कि जो इसकी ये एक शैंडेलियर लुक थी वो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर आपको मिल रही है। मास्टर बेडरूम के अंदर हम आ चुके हैं व्यूअर्स, और इसका साइज जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेशियस आपको बाकी बेडरूम्स के मुताबिक मिल रहा है। सीलिंग वर्क जो है व्यूअर्स, सबसे पहले वो आप व्यू कर लें कि काफ़ी अच्छा वाइट लुक यहाँ पर आपको सीलिंग के ऊपर मिलेगी,
और ये टोटल साइज़ है आपके मास्टर बेडरूम का, जो कि फ्रंट की तरफ आपको व्यू करेगा। अटैच बाथ है इसके साथ, इसके अंदर भी आप वैनिटी सेटअप देख सकते हैं, एक कमोड मौजूद है और आपका शॉवर जो है वो यहाँ पर अभी इंस्टॉल होने वाला है। इधर से आपको जो है स्काईलाइट का सोर्स भी मिल रहा है, वाटर जो है इनसाइड द वॉशरूम ही मौजूद है। बस ये था हमारा इनसाइड टूर 272 स्क्वायर यार्ड्स के विला का। अगर आपको ये विला बाय करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिमांड मेंशन कर देगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आखिरी चीज़ जो इसकी रहेगी वो है इसका टेरेस, टेरेस की तरफ चलते हैं और आपको मैं इसकी टेरेस का व्यू दिखाता हूँ। बस इस एलिवेशन के अंदर बैरियटन कराची के अंदर आपको जो टेरेस का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा मिलता है बाकी घरों के नस्बत। यहाँ पर आप इसकी टेरेस स्पेस देख सकते हैं और आप इसका जो इन्वायरमेंट है वो भी एक बार व्यू कर सकते हैं। बैरियटन कराची के वाले से किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी रब्ता कर सकते हैं। यासिर गफूर, प्रॉपर्टी एक्सचेंज, बैरियटन कराची के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफिज़।